वैसे तो अमूमन पुलिसिया कार्यशैली आए दिन सवालों के घेरे में रहती है, किंतु जालौन पुलिस ने आज एक मामले का खुलासा इतनी सूझबूझ से किया कि अन्य जनपदों की पुलिस को इससे कुछ सीखना चाहिए। जालौन पुलिस ने हत्या के एक मामले में 3 नामजद निर्दोषों को जेल जाने से बचा लिया व असली हत्यारे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस की सूझबूझ के लिए जालौन पुलिस को 25,000 रूपये का पुरस्कार भी दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त महिला की हत्या जिन 3 लोगों को नामजद किया गया था, पुलिस जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो फिर पुलिस ने इस मामले को ब्लाइंड केस की तरह लिया और आज असली हत्यारे कस्बा कोच निवासी मुवीन पुत्र कल्लू को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। आपको ध्यान होगा कि 1 नवंबर को जालौन में चिड़िया सलेमपुर ग्राम में एक महिला की हत्या हो गई थी। रोड साइड पर एक गुमटी थी जहाँ एक झोपड़ी में वो रहती थी और बगल की गुमटी में उसकी दुकान थी, जैसे पान मसाला और ऐसे फुटकर चीजों की, चिप्स बिस्किट वगैरह की। उसकी हत्या हो गई थी। इस हत्या ये ब्लाइंड थी, यद्यपि इसमें 3 लोग नामजद किए गए थे, लेकिन प्रारंभिक जांच से उन 3 लोगों का हत्या में सीधा सीधा शामिल होना प्रमाणित नहीं हो रहा था। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि एक और इसमें नामजदगी है और दूसरी ओर प्रमाणित नहीं हो रहे, तो हमने इसको ब्लाइंड केस की तरह से लिया और एक टीम बनाई गई उसके लिए। और मुख्य रूप से हम लोगों ने ये देखने का प्रयास किया कि गांव में क्या संदिग्ध एक्टिविटी थी, कौन से ऐसे संदिग्ध लोग हैं, अपराधी हैं बाहर से आने वाले या गांव के, जो घटना के समय तो थे लेकिन घटना के बाद उनका आवागमन संदिग्ध हो गया। कम से कम 2 दर्जन संदिग्ध बुलाए गए, पूछताछ की गई, मिलान किया गया डिजिटली फिजिकली अभिसूचना के आधार पर। इसमें एडिशनल SP तिवारी जी और उनके निर्देशन में पूरी टीम, जनपद की जो जिला पुलिस की टीम थी, इसके अलावा स्वाट टीम, इसने बहुत मेहनत की। और इसके बाद एक व्यक्ति ऐसा समझ में आया जिसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि जिसका आवागमन अपने एक रिश्तेदारी में उस रात, जिस दिन की घटना है उस दिन वहां प्रमाणित हुई उसकी उपस्थिति, उसके बाद भी वहां मौजूद रहा लेकिन कुछ दिन बाद वो वहां से हट गया और उसका आचरण संदेहास्पद लगा। जब उसका पूर्व इतिहास लिखा गया तो पूर्व में भी 376 का अभियुक्त रहा है थाना कोर्ट से, और उसकी निगरानी की गई, उसके जो संपर्क थे उनकी निगरानी, डिजिटल निगरानी की गई और उसके आधार पर ये संदेह पुष्ट हुआ कि उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब कड़ाई से पूछताछ स्थानीय पुलिस ने की तो टूटा और उसने बताया कि वो गांव के पास ही उसने जुआ खेला, शराब पी, उसके बाद फिर वो गुटखा लेने के लिए दुकान पर आया। इस महिला को अकेले देखकर उसकी नीयत खराब हुई, उसने पहल की जिसको इस महिला ने जिसका विरोध किया और उसी अल्टरकेशन में धक्का गिरने से ये गिरी और पास में रखी हुई कैंची से वार करके, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी पूरी तरह से मेल खाता है। कैंची के बारे में भी इसने बताया कि बाहर पानी का एक छोटा सा तालाब है उसमें फेंक दी थी इंस्पेक्टर जालौन ने, कल से उसमें लगातार पंपिंग सेट से पानी निकाल के सक्सेसफुली उसकी वो बरामद भी कर ली है, कैंची बरामद भी कर ली है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा अनावरण है। DIG रेंज झांसी ने इस अनावरण पर प्रसन्न होके, सेटिस्फाई होके पुलिस टीम को प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की।